सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मेरे से बहुत बड़ा गलत काम हुआ है कि 15 से ज्यादा जीते हुए लोगों को मैंने हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया और हारे हुए लोगों को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। मैं बहुत अपने गलत महसूस कर रहा हूं, मैंने बहुत गलत किया, अन्याय किया, धोखा किया, देशद्रोह किया और मैं मांग करता हूं कि रावलपिंडी के चौक पर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। और उसने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को भी फांसी पर लटकाया जाए। वहां इस तरह की चोरी केवल पाकिस्तान में नहीं हुई है, इस तरह के आम जनता की वोट की चोरी और जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ डिक्लेयर यहां भारत में भी किया जा रहा है। पिछले बिहार के चुनाव में कई ऐसे कैंडिडेट थे जो 100-200 के मार्जिन के अंतर से जीते थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के थे, उनको जीता हुआ डिक्लेयर करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया था और बाद में प्रशासनिक अधिकारी जो इलेक्शन ऑफिसर थे किस तरह वहां मिली भगत से बीजेपी के दबाव में और हारे हुए लोगों को जिता दिया और वो सरकार चला रहे। हारे हुए लोग विधायक बन के या मंत्री बन के सरकार चला रहे और जीते हुए लोग बाहर हैं। और इसी तरह का घटनाक्रम आपने उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव में देखा, चाहे वो मेरठ का चुनाव रहा हो, ऐसे कई जगह के चुनाव थे जहां जो कैंडिडेट जीत गया वहां लट्टू पट्टे ढोल नगाड़े बज गए। डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था आप जीत गए और उसके बाद दोबारा गिनती का कुछ ऐसा चक्रव्यूह चलाया। चक्रव्यूह क्या, ऊपर से फोन आया होगा, जो ऊपर वाले हैं उनकी तरफ से फोन आया होगा कि ये तुम्हें तुरंत करना है और तुरंत दोबारा गिनती करके जीते हुए लोगों को, कई लोगों को, एक को नहीं कई लोगों को, यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर ने हारे हुए लोगों को जिता दिया और वह सत्ता में बैठे हैं। जो लोग इस जिद पड़े हैं कि ईवीएम बिल्कुल पाक साफ है, ईमानदार है, ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, उन सब के हाथ गरीब जनता के खून से रंगे हैं। वोट की चोरी किसी की हत्या से कम नहीं है। आपको याद होगा माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि अपनी वोट की इज्जत, अपनी वोट की सुरक्षा उसी तरीके से करो जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की जाती है। तो क्या हारे हुए कैंडिडेट को जिताना और जीते हुए कैंडिडेट को हराना किसी मौत से कम है क्या? लेकिन ये हो रहा है। ईवीएम से तो चोरी है ही, लेकिन शासन का दुरुपयोग करके भी इस तरह हो रहा है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास 16 वोट थे। तो वैसे तो जो मतपत्र से कराने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सीधा कहो हाथ उठाओ भी 36 लोग जो वोट डालना है उसमें वोट क्या गुप्त मतदान, गुप्त मतदान तो चोरी, जब कम संख्या हो तो गुप्त मतदान कराने का मतलब है चोरी को इजाजत देना, क्योंकि वहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ही नहीं होता निगम के अंदर। और वहां 8 कैंडिडेट के वोट को इनवैलिड करके खुद काट के कैमरे के सामने 20 के मुकाबले 16 वाले पार्टी को मेयर बना दिया। शुक्रिया वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे और कैमरे में सारा घटनाक्रम कैद हो गया। आप जानते हो वहां के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया था अनिल मसीह को, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी है, और उस पदाधिकारी ने खुलेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हाईकोर्ट में मैटर गया तो हाईकोर्ट के भी जजेस देखो कितने काबिल जज बन रहे हैं, कॉलेजियम से बनते हैं ना, एग्जाम तो पास करना नहीं पड़ रहा। क्योंकि जितने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं 75% डायरेक्ट वकील से बनते हैं, जो कॉलेजियम से बनते हैं 200-300 परिवारों के बीच है सिर्फ उन्हीं के बच्चे बनते हैं। दादा भी जज रहा, बेटा उसका जज, उसका बेटा भी जज रहने वाला, बच्चा जो पैदा होता है पहली कहते जस्टिस सुरेश, पहले नाम रख देते हैं कि ये भी जज बनेगा, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं, एग्जाम हो तो काबिलियत से बंदा पास होगा, वहां तो सीधा इंटरव्यू से सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो चाचा था होंगे, तो उनको कौन जज बनाने से रोकेगा। उन जजों ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने 3 महीने बाद की तारीख लगा दी। क्या न्याय करेंगे ये लोग, जज की कुर्सी पर बैठ कर न्याय कर रहे हैं और लोग डर रहे हैं।
फैसला आज आ गया है, आम आदमी पार्टी का मेयर सुप्रीम कोर्ट ने जिता दिया। और ये मैं बता रहा हूं, अगर ये ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई ना लड़ता, अगर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन ना बनाती है टीम, मैं दावे के साथ कहता हूं ना तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मुद्दे पे आपकी जनता के फेवर में और देश के हित में जजमेंट आता और ना शायद ये बेहतर चुनाव का जीत आता है, शायद ये भी नहीं आता। तो ये जनता की जीत है, जनता जो सबसे शक्तिशाली है देश में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, उन्होंने देश में प्रजातंत्र में जनता मानी है, लेकिन जनता अपने आपको नौकर समझ बैठी, वोट मांगकर तो हाथ जोड़ के आ रहे और जीतने के बाद टाइम मिलने का नहीं दे रहे, घर पे अंदर बैठे बात बना रहे हैं, कहवा देते हैं कि विधायक जी घर पे नहीं है, सांसद जी नहीं है, मंत्री जी नहीं है, टाइम नहीं है, व्यस्त है। उन्हें ये पता होना चाहिए सारे देश के सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, सबको, कि जो जनता आपको वोट देके जिताती है वो आपको कुर्सी से नीचे गिरा भी सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल ठीक से नहीं करती, जनता को अपनी कुर्सी का, अपनी ताकत का, वोट की ताकत का वैल्यू का नहीं पता। जनता क्या करती है, छोटे छोटे पदों पर, छोटे छोटे पदों को पाने के लिए एमपी एमएलए के घर के चक्कर लगाते रहते हैं, मुझे यहाँ पे सदस्य बनवा दो, मुझे ये बनवा दो। अरे जो तुम्हारा हक है अपना हक मांगो, छोटी मोटी चीजों के लिए या क्यों तो अपने आप को तुम शर्मिंदा करते हो। आज मैं समझता हूं कि ये ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ की लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, वास्तव में देश के घर घर तक पहुंच गई है। लेकिन अभी अगर हम रुक गए, अगर हम रुक गए तो कहीं ना कहीं देश के जनता के साथ धोखा हो जाएगा। इस लड़ाई को और तेज करना है। यह सही है जो भानु जी कह रहे थे कि हमारा 25 तारीख का डिक्लेरेशन बहुत पहले कर चुके थे, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कर चुके थे, 31 तारीख को जंतर मंतर पर इतनी बड़ी सभा थी उसके अंदर कर चुके थे। बेहतर होता कि ये 16 से बढ़ा के जो 22 किया इसको 25 ही कर देते, साथ मिलकर करते तो बड़ा संदेश जाता। ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये ईवीएम की लड़ाई को तेज करनी है। जो 22 को हो रहा है उसमें कई राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं जो हो गया, जो कदम वापस नहीं हो सकता, उस पर हम कोई भी मनमुटाव करने की बजाय 22 का मजबूत आंदोलन होना चाहिए, जो आ सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश में आना चाहिए, लेकिन 25 का इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक चोट पहले मारी, दूसरी चोट 31 को मारी, तीसरी चोट 22 को लगनी चाहिए और 25 की चोट में पत्थर टूट जाना चाहिए। और यह पत्थर टूटेगा, ये जो इलेक्शन कमीशन जीत पैड़ा है इसको अपनी जीत छोड़नी होगी, और नहीं छोड़ी तो देश की जनता तो ये जान चुकी है, इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे चीफ कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर, जिसका गठन करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाने के लिए एक निष्पक्ष बॉडी होनी चाहिए उसको चुनने की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता और तीसरे इंडिपेंडेंट मेंबर होने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी जी डर गए और वो संसद के अंदर क्लीन लाकर सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था को उन्होंने पलट दिया और उसमें एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर कानून मंत्री को बनाने का प्रस्ताव उन्होंने बिल लाकर पास करके संसद से, और इस इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली कमेटी में 2 सदस्यों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री जी, इसका मतलब क्योंकि ये सारे जो लोग जाते हैं रिटायर होकर, अफसर वहां कुर्सी चाहता है, रिटायर आदमी को कुर्सी देंगे तो जो बनाने वाला तो उसकी प्रति वफादार रहेगा, वो देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति वफादारी निभाने की बजाय जिन्होंने उसको बनाया उसके प्रति वफादारी निभाएगा, आपकी वोटों की चोरी करवाएगा, जगह जगह जाके कहेगा ईवीएम ईमानदार है। ईवीएम ईमानदार कैसे हो सकती है, अगर ईवीएम ईमानदार होती तो उसके अंदर रियल टाइम को रोकना होता है।